वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और यहाँ से होता है नए ब्लॉग की स्टार्टिंग। और बस अब बनाने जा रहे हैं नाश्ता, क्योंकि पूजा का सामान जो है वो बन चुका है, खाना हमने निकाल दिया है और अब बनाएंगे हम नाश्ता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आज हम क्या बनाने वाले हैं। बस बच्चे नहा के आ रहे हैं और फिर बनाते हैं नाश्ता। तो आज मैं बनाने वाली हूँ ब्रेड और आलू से झटपट नाश्ता, जो फटाफट से रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से ब्रेड है और गर्म दूध है, तो जो ब्रेड मैंने तोड़े हैं उसमें डाल दूँगी गर्म दूध थोड़ा सा, वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो बस यहाँ पर हमने गुनगुना दूध डाल दिया है एक कटोरी। इससे ये है कि हमारे ब्रेड जो है थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि हमें उसमें आलू भी मिक्स करने हैं, तो इतने हमारे ब्रेड सॉफ्ट होते हैं, इतने हम अपने आलूओं को मेथ लेते हैं। और मैंने आधे ब्रेड जो है क्रश कर लिए थे मिक्सी में। और इधर मेरा मसाला तैयार हो रहा है, प्याज और हरी मिर्च जीरा। तो यहाँ पर हमने डाल दिए फ्राई करके प्याज हरी मिर्च, और यहाँ पर डाल देंगे अपने स्वाद के अनुसार सारे नमक, हल्दी, मिर्च, नमक, कसूरी मेथी, मतलब जो अगर आपको ज़्यादा टेस्टी मतलब तीखा करना है तो आप उस हिसाब से भी बना सकते हैं, और बच्चों के हिसाब से भी कम मिर्च की बना सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड है, आप कितना तीखा खा सकते हैं। तो मैंने बच्चों के हिसाब से बनाया था। और इसमें 2 चम्मच डालना है मैंने अरारोट। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसके बनाने हैं हमें रोल, तो हम यहाँ पर बना लेते हैं अपनी पिट्ठी। और यहाँ पर बनाना है हमें 2 चम्मच मैदा लेनी है और उसका पतला सा घोल बनाना है, क्योंकि हमें ये आगे यूज़ करना है। तो बस हाथों में तेल लगा के हम छोटे छोटे रोल बना लेंगे अपने, आप किसी भी आकार से जो है बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़े लंबे लंबे बनाए हैं। और यहाँ पर ज़रा से प्लेट से हमारा इतना सारा नाश्ता बन जाएगा। तो यहाँ पर हमारे रेडी हो चुके हैं रोल। और ये मैंने ब्रेड जो है आधे क्रश कर लिए थे मिक्सी जार में। तो चलिए अब करते हैं अपना आगे का प्रोसेस चालू। तो ये जो मैंने रोल है ये करने हैं हमें मैदा के घोल में डिप, और डिप करने के बाद हमें ये डालने हैं ब्रेड जो कि हमने क्रश किए थे। तो बस इनको लपेट के 5 से 10 मिनट तक हमें ऐसे ही थोड़े ड्राई हो जाएंगे। 5 मिनट आप रख सकते हैं, तो थोड़े से ड्राई हो जाएंगे इतने, बाकी मैं सारे रोल करूँगी तो इतने हमारे थोड़े ड्राई भी हो जाएंगे, है ना, क्योंकि हमने तो ज़रा सी चीज़ से ज़्यादा बनाना है ना। तो यहाँ पर हमारी ज़रा सी चीज़ से प्लेट भर कर नाश्ता रेडी हो जाएगा। तो बस हमारे यहाँ पर हो चुके हैं ब्रेड रोल तैयार। ये देखिए ज़रा से ब्रेड से कितने सारे बन गए हैं ना। तो अब इन्हें फटाफट कर लेते हैं हम फ्राई। और मेरी कढ़ाई बहुत तेज़ हो चुकी है, और यहाँ पर देखिए मतलब 2 मिनट के अंदर आपके जो इतने सारे रोल फ्राई हो जाएंगे फटाफट से, झटपट से नाश्ता रेडी हो जाएगा। बिल्कुल सबसे जल्दी बनने वाला नाश्ता है ये। तो चलिए यहाँ पर अपनी लगा लेते हैं प्लेट। ये मैंने दूसरी बार के हैं वो भी फ्राई कर लिए थे। तो ये देखिए बन चुके हैं ना प्लेट भरकर नाश्ता, अच्छा लग रहा है ना। तो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आप भी ऐसी टेस्टी नाश्ता जल्दबाजी में बनाते हैं, और किस किस को पसंद है ऐसे रोल। तो ये लीजिए, आप भी खा लीजिए। और अंदर से देखो इतने सॉफ्ट बने थे बहुत ही, ये देखो बहुत ही टेस्टी बने थे। और अचानक ही हमें जाना पड़ा था कहीं और, तो ये पता चलेगा आपको अगली वीडियो में, क्योंकि आज की वीडियो जाएगी काफ़ी लंबी, इस वजह से मैं अगली वीडियो में बताऊंगी कि हमें इमरजेंसी में कहाँ जाना पड़ा। और जिसके यहाँ जा रहे हैं वो हमारे आगे आगे जा रहे हैं, तो बस चलते हैं उनके घर। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।